राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, ईश्वर की कृपा से सब बढ़िया होंगे। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए करवा चौथ शॉपिंग हॉल। और मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या लिया है, कैसी चूड़ी ली है, सूट ली है या साड़ी ली है, अभी आप लोगों को सब बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये रहे मेरे सूट या साड़ी जो भी है। तो चलिए बताती हूँ मैंने लिया क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आप लोगों को अपनी चूड़ियां मैंने ज्यादा नहीं ली है, चूड़ियां बहुत है मेरे पास। मैं 2 साल पहले सूरत गई थी तो वहां से लाई थी ढेर सारी चूड़ियां, कभी उसका कलेक्शन भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल अभी तो जो करवा चौथ में पहनने के लिए मैं लाई हूँ उनको मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ये है मेरी चूड़ियां और मैं ना ज्यादातर रेड कलर ही पहनती हूँ। तो ये है मेरे फर्स्ट कड़े जो कि रेड कलर में है, और चूड़ियां मार्केट में बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है। तो ये 250 रुपए के मिली मुझे, और जबकि ये 200 रुपए तक के ठीक थे, जायज थे, लेकिन क्या करें, 1 भी रुपया कम नहीं कर रहे हैं कोई भी मार्केट में आज के टाइम पे। और सेकेंड जो कड़े है मेरे, चलिए चूड़ियां दिखा देती हूँ। तो ये चूड़ियां हैं और चूड़ियां भी मैं रेड ही लाई हूँ, और मुझे रेड चूड़ी बहुत ज्यादा पसंद है। तो साड़ी तो कोई भी पहन लो, सूट कोई भी डाल लो, लेकिन चूड़ियां मैं ऐसे ही पहनती हूँ। तो ये हैं चूड़ियां, और 150 रुपए की एक डिब्बी है, तो ये एक दर्जन है, ये 150 रुपए की चूड़ियां हैं। सेकंड में मैं खोल के दिखा देती हूँ। मैं 2 दर्जन चूड़ियां लाई हूँ अपने लिए। तो ये भी मेरी 2 दर्जन चूड़ियां जो कि मुझे 300 रुपए की पड़ी, यानी कि 150 रुपए की एक डिब्बी, जबकि ये डिब्बी ना 80 रुपए की एक मिल जाती है, लेकिन ये वाली लाई हूँ मैं। और जैसे सदर मार्केट हो गया, चांदनी चौक हो गया, दूर के मार्केट जाने का या सस्ते मार्केट जाने का मुझे टाइम नहीं मिला, तो जैसे भी ली है मैंने ये अपने पास वाले मार्केट से, यानी कि लक्ष्मी नगर से खरीदी है मैंने ये वाली चूड़ियां। तो कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना। कोई भी साड़ी डाल लो, और रेड चूड़ियां ऐसा है कि सबकी साथ चली जाती है। तो ये है, और कड़े भी दिखा देती हूँ। बीच में मैं ये कड़े डाल लूंगी। 150 रुपए की 2 दर्जन चूड़ियां हैं, और 250 रुपए के ये कड़े हैं। जो नेक्स्ट कड़े हैं मेरे वो ये हैं। तो इनको ना मैं सिंगल सिंगल भी डाल लेती हूँ, जैसे ये वाली डाली हुई है मैंने हाथ में, तो बाद में भी ये काम आ जाएंगी। और इसमें ना थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है इनका, खैर कोई बात नहीं, मैं चला लेती हूँ। मुझे इतना ज्यादा वो नहीं है कि मतलब ज्यादा ही फिनिशिंग के साथ पहनना है। और इस तरीके से मैं आधा आधा एक हाथ में डाल लूंगी, इस तरीके से सेट बना के। बाद में करवा चौथ के दिन जब मैं इनको पहनूंगी तो गोल्डन कड़े इनके आगे पीछे या बीच में मैं डाल लूंगी। गोल्डन कड़े मेरे पास पहले से ही पड़े हुए हैं जिनको कि मैं सूरत से लाई थी, तो वो वाला कलेक्शन भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये रही मेरी चूड़ियां, कैसी लग रही है जरूर बताना कमेंट करके। तो जैसे कि करवा चौथ में ना हम अपनी सास जी के लिए भी लेते हैं, चूड़ी भी लेते हैं, और पूरा श्रृंगार का सामान लेते हैं, साड़ियाँ लेते हैं, लेकिन साड़ी मैंने इस बार नहीं ली है। मैंने पिछले साल बना दी थी उनके लिए साड़ी, मतलब किसी साल मैं साड़ी बना देती हूँ, किसी साल स्वेटर शॉल इस तरीके से। तो ये एक दर्जन चूड़ियाँ उनके साथ, उनकी है 4 बहुएं, तो 4 बहुएं जब देती हैं ना तो उनके पास बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको पहनने का मौका ही नहीं मिलता कि कब पहने और कितने कितना जो पहने। तो मैंने सोचा कि या तो मैं स्वेटर दूंगी उनको, और या तो मैं, और ये जो चूड़ियां हैं ना, तो ये मोटी है, मेरी चूड़ियों से मोटी है और मजबूत है, क्योंकि मेरा तो ये है कि मैं 2-2 चूड़ियां करके डेली यूज में भी डाल लेती हूँ, तो वो मुड़ती रहती हैं और फिर दूसरे डालती रहती हूँ, लेकिन उनके हाथ पे ना टिक जाती है चूड़ियां, अच्छे से टिकती है। तो उनकी जो चूड़ियां लाई हूँ मैं वो अपने से थोड़ी सी महंगी लाई हूँ, मेरे 150 रुपए दर्जन है, उनकी 200 रुपए दर्जन है। और थोड़ा सा इनकी जो फिनिश है और थोड़ा सा डिजाइन में भी डिफरेंट है, उनकी थोड़ी सी महंगी आई, ये 200 रुपए दर्जन है। और ये एक ही दर्जन है, 6-6 चूड़ियां, वो ज्यादा नहीं पहनती है, बस 6-6 डालती है और आगे पीछे कड़े डाल लेती है। तो कड़े मैं अब लाऊंगी सदर बाजार से उनके लिए भी और अपने लिए भी, एक जोड़ी ले आऊंगी जो गोल्डन कलर में आती है। एक मैट लिपस्टिक लाई हूं मैं अपने लिए, और ये लैक्मे की मैट लिपस्टिक है, लिपस्टिक मेरी मदर इन लॉ नहीं लगाते हैं। एक मैं मांग लाई हूं अपने लिए ब्लू हेवन का, एक उनके लिए ये रबड़ है रेड वाला, और ये बिंदी वो सिंपल ही पहनती हैं, तो ये बिंदी है उनकी, दो पत्ते, ये शिल्पा की बिंदी है, वो शिल्पा की बिंदी ही पहनती है, जब भी देते हैं हम शिल्पा की देते हैं, अच्छी रहती है गोंद। और एक उनके लिए कंगी लाई हूँ,
और एक नेल पेंट लाई हूँ उनके लिए, नेल पेंट मेरे पास पड़ा हुआ है, और एक उनके लिए मांग लाई हूँ, एक उनके लिए मेहंदी लाई हूँ। और जो अब प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद मैं अभी नहीं लाई हूँ, जो मठरी होती है और खील बतासे वो सब चढ़ाते हैं हम लोग, तो वो मैं अभी नहीं लाई हूँ, और गांव जाते जाते वो खराब भी हो जाते हैं इतने दिन रख के। तो मैं लाई हूँ उनके लिए ड्राई फ्रूट, ये बादाम है और ये किशमिश है, और अभी काजू लाऊंगी और पिस्ता लाऊंगी, और ये मैं लाई हूँ उनके लिए मखाने। तो इन ऐसे डिब्बों में मैं दे देती हूँ प्रसाद, क्योंकि वो वैसी चीज तो खाते नहीं है, क्या बोलते हैं, जो मठरी होती है, और मठरी खा भी लेंगे, लेकिन लेकिन क्या होता है कि हम हैं दिल्ली में और वो है गांव में, तो इतने दिन में वो चीज खराब हो जाएंगी, और ये तो चल जाएंगी 15 दिन भी, महीना भर भी चल जाएंगे। तो ये मैंने खरीद ली है उनके लिए। काजू लेना है और पिस्ता लेने हैं, तो ये 5 ड्राई फ्रूट हो जाएंगे, और देखती हूँ। और ये अखरोट ले लिया है मैंने उनके लिए, ये अखरोट ले लिए हैं मैंने उनके लिए, तो अखरोट भी मैं दे दूंगी, और 5-6 ड्राई फ्रूट हो जाएंगे। प्रसाद नहीं दूंगी मैं, क्योंकि प्रसाद ये है ना कि खराब भी हो जाता है। चलिए, तो अब बारी आती है सूट दिखाने की। तो मैंने साड़ी नहीं बनाई है अपने लिए, मैंने सूट ही बनाई है। तो सबसे पहले बना मैं, ये मेरे हाथ में आ गए पतिदेव जी के कपड़े, तो उनके दिखा देती हूँ मैं, अभी वो घर पे नहीं है इसलिए दिखा रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे मेरे क्या दिखा रही हो। चलो शेयर कर देती हूँ, जब सारा सामान शेयर कर रही हूँ तो ये भी शेयर कर देती हूँ। ये क्रीम ऑफ वाइट कलर का पैजामा है, और ये वो है क्या बोलते हैं, कुर्ता है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने उनके लिए भी ले लिया जबरदस्ती करके। उनके पास और कुर्ता पैजामा है, लेकिन हर साल मैंने सोचा कि दीपावली पे जब बनाते हैं तो अभी बना लो एक जोड़ी। तो ये है मेरी कुर्ती, और पूनम दीद ने कहा था कि बबीता ये वाली कुर्ती आपको अच्छी लग रही है, तो मैं वो कुर्ती ले, मतलब वही कुर्ती मैंने खरीदी है जो आपको अच्छी लगी थी। तो ये है ओरिल्ला की कुर्ती, और इसका मैं प्राइस बता देती हूँ सबसे पहले आपको। ये 1499, 1500 रुपये की कुर्ती है। तो ये कुर्ती मैं दीपावली के दिन पहनूंगी, और इस तरीके की कुर्ती है। ये वाले और ओरिल्ला की ही कुर्तियां मैं ज्यादातर पहनती हूँ, ओरिल्ला में बहुत सुंदर सुंदर कुर्तियां होती हैं। तो ये है दीपावली में पहनने के लिए, और ये बाजू है इसके, और सिंपल है, एकदम सिंपल है ये ऐसी। तो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को पहन के दीपावली में। और जो मैं करवा चौथ के लिए कुर्ती लाई हूँ, करवा चौथ में मैं सुबह पहनूंगी सूट, यानी कि तैयार हो हाके सुबह, और जो शाम को अर्घ देते समय मैं साड़ी पहनूंगी। तो साड़ी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अभी नहीं दिखाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने निकाली ही नहीं है साड़ी, वो भी मुझे तैयार करनी है। और ये कुर्ती भी है 1499 की, दोनों कुर्तियां 1500 की है। तो ये देखिए, ये ऐसी है, और ऐसे इसके बाजू है, और अच्छी है, कॉटन की, कॉटन का कपड़ा है, सिंपल मैंने इसलिए बनाया, ज्यादा ताम झाम मैंने इसलिए नहीं किया कि बाद में मैं अपने उत्तराखंड जाऊंगी तो वहां पर मैं मंदिरों में जाऊंगी जैसे, तो थोड़ा सा रेड कलर अच्छा लगता है मंदिर में, पूजा में, अपने नरसिंह भगवान जी के मंदिर में जाएंगे हम, और भेंट वेट चढ़ाएंगे, तो घूमने भी जाएंगे, तो ये वाली कुर्ती जैसे कि मैं पहन सकूं, तो इसलिए लाई मैं सिंपल वाली। और इसके साथ जो पैजामी है वो ये है गोल्डन कलर की, और ये पैजामी है, ये ओरिल्ला ब्रांड के हैं, और ये पैजामे हैं 999, यानी कि 1000 की है। ये पैंट है, पैजामी नहीं है, गोल्डन कलर में है, और कैमरे में अजीब से दिखाई दे रही है, लेकिन सामने ना बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, कैमरे में पता नहीं क्यों ऐसी लाइट आ रही है। तो ये कुर्ती कैसी लगी आप लोगों को जरूर बताना, और ये ना कैमरे में पता नहीं क्यों अजीब सी आ रही है, वैसे चमक रही है लेकिन कैमरे में नहीं चमक रही है इतनी। और मैं दोबारा दिखा देती हूँ ये वाली कुर्ती, ये ऐसी है। तो ये देखिए, नहाने का, रगड़ने का थोड़ा सा ये मेरा खराब हो गया था, तो मैं ये भी ले आई हूँ, ये 100 रुपीज का है बिग बाजार से। हाँ, बेडशीट दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, ये सिंगल बेड की बेडशीट है, और 100% कॉटन है,
इसका प्राइस है 999। और आप लोगों को पता होगा कि बिग बाजार में ना 50% डिस्काउंट चल रहा है बेड शीट पे, तो मैंने फायदा उठा लिया है। और जब भी मैं बेड शीट रखती हूँ अपने घर के लिए ना, तो बिग बाजार के ही रखती हूँ और आजकल के सीजन में ही रखती हूँ, क्योंकि आजकल वो ठीक हाफ रेट में दे देते हैं, क्योंकि उनको विंटर सीजन का रखना होता है, तो हाफ रेट में वो आराम से दे देते हैं। तो इस टाइप की है और इसके साथ एक पिल्लो कवर भी है, तो पिल्लो कवर ये है। और इनको दीपावली के टाइम पे मैं बिछाऊंगी। वैसे बेड शीट ढेर सारी है मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी पुरानी हो गई, वो पिछले साल मैंने खरीदी ही नहीं, और एक एक ऐसी दिवाली पे खरीदी होगी। और एक मैं नोएडा हाट से लाई थी, नोएडा हाट गई थी मैं फरवरी में, तो जब इस साल भी नोएडा हाट लगेगा ना, तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वहाँ की वीडियो भी, कैसा लगता है क्या। और आप लोगों में से बहुत से लोग जाते होंगे नोएडा हाट। तो ये है डबल बेड की बेड शीट, बहुत से लोगों ने देखी नहीं होगी, परसों मैंने शेयर की थी। तो इस टाइप के निकाल ही देते हैं इसको। येलो कलर में इसलिए लाई, इसका बेस जो है येलो कलर का है, इसलिए लाई मैं कि छोटे बच्चों के साथ ना जो व्हाइट बेस होता है वो खराब हो जाता है जल्दी, मेरा खाना खराब कर देता है जल्दी से। इसका जो प्राइस है 1800 रुपये की थी 1799, और ये पड़ी मुझे हाफ रेट में ठीक, तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। और बहुत अच्छी अच्छी बेडशीट आई हुई है। तो ये थी मेरी करवा चौथ की शॉपिंग, आप लोगों को कैसी लगी, चूड़ियाँ कैसी लगी आप लोगों को, और कुर्ती कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके। और आज मैं जाने वाली हूँ सदर मार्केट, सदर बाजार में ना क्या आया है नया दीपावली के लिए, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और बहुत प्यारे प्यारे लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग जहाँ की वीडियो, जो वीडियो बनाने को बोलोगे ना, मैं वो वीडियो बनाऊंगी, मेरा बस ऐसे ही साथ बनाए रखना। तो चलिए, मैं इस वीडियो का ऐड करती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हाँ, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना।